नमस्कार, मैं हूं अजीत कांबोज और आज मैं हूं समाचार प्लस के चुनावी घुमक्कड़ के किरदार में। देवभूमि में भी विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले हम पहुंचे मंगलौर विधानसभा सीट पर। यहां का हाल जानने की मंगलौर में क्या कुछ वादे किए गए थे पिछले चुनाव में और कितने पूरे हुए। सर, सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूंगा, आपको क्या कुछ लगता है आप ही बता दीजिए कि मंगलौर जो सीट है उसमें किस तरह के काम थे और कितने पूरे हुए। मंगलौर का जो पिछला विधायक बसपा का था उसने कोई विकास कार्य नहीं कराया। अगर विकास कार्य हुए हैं तो उसके साले के, उसके लड़के का विकास उसने किया है। यहाँ मंगलौर के अस्पताल में जब पहले काजी निजामुद्दीन विधायक हुआ करते थे वो यहाँ 55-70 डॉक्टर थे, आज एक डॉक्टर मात्र इतनी बड़ी बस्ती मंगलौर जो है एक डॉक्टर देख रहा है। इससे यहाँ की जनता को कोई स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल पा रहा। जी बिल्कुल, स्वास्थ्य की पहली समस्या निकल के आई है, आपसे जानना चाहूंगा आपको क्या लगता है क्या समस्या थी, कितनी पूरी हुई। समस्या तो 40 साल से जो हॉस्पिटल है वो इसी तरह रहा है, उसमें कोई डॉक्टर ना तो कभी रहा और ना भय। पिछले विधायक रह चुके जब उसमें ऐसा ही है, आज भी ऐसा ही है। पर समस्या यह है उत्तराखंड में जब से देश आजाद हुआ 2 डिग्री कॉलेज वो हजी सरवत करी मंसारी ने मंगलौर को दिए हैं, बिजली घर मौजूद हैं। और विकास के बारे में, विकास ऐसा कोई गांव देहात और या सड़क कोई नहीं बची, खेतों तक सब विकास पूरा करा दिया है। मेंबर साहब बता रहे हैं कि जी 40 साल से ऐसा ही हॉस्पिटल है, ये पिछली योजना में काजी निजामुद्दीन ने बनवाया था हॉस्पिटल। पहले ये खपरेलो में चला करता था, इसमें 5-6 डॉक्टर, एक एम्बुलेंस भी दी थी जिसे जंग लग गया 5 साल में, जो पहले चलती थी आज वो बिल्कुल यहाँ ताले में खड़ी, उसका नहीं पता नहीं है क्या है। रही विकास की, डिग्री कॉलेज की बात कह रहे हैं लोग, हरीश रावत जी ने डिग्री कॉलेज दिए बिना डिमांड के दिए, कोई अगर डिमांड दिखा दे विधायक की तो जो चाहे सजा। रुड़की में उसका ऐलान कर गए थे और उसमें इतना तो विकास हुआ कि बजाय मंगलौर में बनने के वो मंगलौर की सीमाओं से बाहर चले गए। समस्या यह है, मेंबर साहब ने कहा है कि यहाँ से पहले ही 40 साल से इस तरीके से अत्याचार कर, जो उसे उम्मीद और ये सारा का सारा सिस्टम था, उसने कहा मैं ये कर दूंगा और इस तरह कर दूंगा, उससे कोई मंगलौर को तो कोई लाभ नहीं मिला। मंगलौर के विधानसभा में कोई भी कार्य ऐसा नहीं हुआ, यही भी कार्य करके दिखाए कि उसने कहा कि ये करा के मंगलौर विधानसभा में। मतलब दावे कई किए गए हैं, काम कम हुआ है, आप क्या कुछ कहेंगे, आप युवा हैं मंगलौर सीट को लेकर क्या कहते हैं आप? बात तो जायज कह रहे हैं हमारे चेयरमैन साहब भी कि विकास कार्य नहीं हुआ, लेकिन 40 साल में जब विकास ही नहीं हुआ तो 5 साल में क्या विकास देगा। विकास तो इतना हुआ है जो 40 साल में कभी नहीं हुआ। रोजगार में ले लीजिए, यहाँ की नीति तो ये है कि साइकिल से बंधा हमारा टिफिन पीछे हो, शाम को सूरज निकलता है, सुबह का सूरज निकलता है रुड़की में, छिपता है मंगलौर में आकर के, कि पब्लिक को विकास तो दिखेगा ना, दिख रहा है विकास। एजुकेशन में है, बिजली घर में है, मेडिकल में है, सड़क में है। देख लीजिए मंगलौर का 4 साल से सड़क फटी पड़ी है पूरा मंगलौर। अगर अगर कोई गर्भवती महिला सड़क पर निकल जाए 9 महीने का बच्चा उसके 8 महीने में गर्भ से बाहर आ जाएगा, देख लीजिए यही काम रुड़की में हो रहा है। हमारे विधायक जी ने नगर पालिका के लिए 5 करोड़ रुपया सालाना मंजूर करवाया जी, 5.5 करोड़ रुपया एक साल में नगर पालिका में आई है। नगर पालिका ने यहाँ कुछ नहीं करा जी, बिल्कुल भी कुछ भी। अगर सड़क सारी टूटी पड़ी, सड़कों का पैसा जवा नगर पालिका में कुछ नहीं हुआ। जो ये कॉलेज है ये हरीश रावत जी ने नहीं, ये माननीय मंत्री विजय बहुगुणा जी के उससे हुए हुए है पास जी। और जो सरकार है, जो हरीश रावत मुख्यमंत्री बने भी तो माननीय मंत्री अजय सरवत करीम अंसारी की वजह से बने, सरकार तो नहीं ऊपर ही। अगर आज भी जो जितने भी घंटे बच रहे हैं, जितने भी दिन बच रहे हैं, जो अपना समर्थन वापस ले लेना तो यूं गिरेगा हरीश रावत यूं, और बीजेपी बाहर सकती है। ये राजनीति में रहता है ये सारा मामला, कोई विकास का तो मामला है ही नहीं। रही सड़क की बात, ये तो माननीय जो है मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने 65 करोड़ रुपए कस्बे को मंजूर करे थे वाटर टैंक के लिए, उस पर कार्य चल रहा है, उसमें क्या सड़क जो है क्या कर पाएंगे, वो तो पाइपलाइन दबेगी ना, जब वो बनेगी लोगों को पानी साफ सुथरा मिलेगा, उसका फायदा मिलेगा जनता को। रही विकास की बात, विकास तो इनके साले साहब का हुआ है जी। बिल्कुल, आरोप लग रहा है कि विकास क्षेत्र में कम परिवार में ज्यादा नजर आया, आपको क्या कुछ लगता है आप क्या कहेंगे इसको लेकर? यहाँ तो ये हुआ कि लगा के आग दरख्तों में अपने हाथों से अजीब शख्स साया तलाश करता है। हम बसपा में वर्तमान में जो विधायक होने की साथ थे, मगर जीतने के बाद सबसे बड़ा धोखा अगर किया जनता और अपने साथियों के साथ किया,
विकास के नाम पर सड़कों में रेत लगाया और अपना विकास किया, अपने परिवार का विकास किया। उन्होंने यहाँ 6,500 के करीब आर्थिक सहायता के चेक बंटवाए, जिनको जिन लोगों को उनकी जरूरत थी उन तक के वो पहुंचे, और मेरे ख्याल से वो सुनने में आया था 15 करोड़ के आसपास 6,500 लोगों को इतना पैसा मिला मुख्यमंत्री राहत कोष से। तो ये आवाम का ही तो फायदा हुआ है जी, नहीं अब जो ये आरोप लगा रहे हो कोई कैसा कहे, कोई यहाँ से राजनीति ऐसी है कि कभी खत्म नहीं होने वाली है, इसी तरह चल रहा है, इसी तरह चलता रहेगा। तो मतलब राजनीति ज्यादा होती है, विकास कार्य भी हो रहे हैं साथ में साथ, आपको क्या कुछ लगता है इस चीज? भैया जैसा कि इस भाई साहब ने कहा कि सरकार इनके कंधों पे चल रही है, अगर ये चाहते तो बहुत कुछ करवा सकते थे, लेकिन कुछ नहीं किया इन्होंने, किया सिर्फ कि इस विधानसभा को 5 मरतबा बेचा, खासकर अंसारी बिरादरी को 5 मरतबा बेचने का काम किया, इसके अलावा कोई काम नहीं किया। गांव में जाकर देख लो गड्ढे जू के तू पड़े हैं, खाली रेत और बजरी मिलाते फिरे, जो 10 कंपनियां इनके साले साहब की है, सिर्फ उनके अलावा कोई विकास मंगलौर विधानसभा में नहीं है। चलिए परिवार पर आरोप लग रहे हैं विकास करना, आप क्या कुछ कहेंगे सर इस चीज को? भाई साहब विकास तो ये कहेंगे जी, लोग नु कह रहा है भाई 40 साल से कुछ नहीं हुआ, जब तो जी विधायक निधि 1500 आवे थी, अब तो 69 करोड़ आ रही, और बाकी समय उस 69 करोड़ आने पर पता नहीं चला मैं गया कहाँ से। तो जी जितने 40 साल में आए इतने 5 साल में आए, उन 5 साल में कोई धल्ला हमारे शहर में नहीं लगा, अपना विकास करा और मौज मार रहे लोग। तो विधायक है खुद ही काम करते हैं, दूसरा तो कोई ठेकेदार इस विधानसभा में टेंडर भी नहीं डाल सकता। मतलब विधायक पर आरोप लग रहे हैं टेंडर कार्य खुद करवाना, आपको क्या लगता है कितने? देखो जी विधायक जी का साला है यहाँ से जो ठेकेदार है, बाकी तो चेयरमैन साहब ने यहाँ काम कराया, और तुम सर्वे कर लो यहाँ से कोई गाँव में किसी तरह का विकास नहीं हुआ जी। तो बिल्कुल और भी लोग हमारे साथ, आप क्या कहेंगे इस चीज को? देखिए हम 15 साल रहे उनके साथ में, 2 बार कांग्रेस का इलेक्शन लड़ाया, जब कोई फायदा नहीं हुआ उनके साथ रह के, अब जो है विधायक बसपा से बढ़ने में, लेकिन झूठे वादे करते हैं, उनके बस का कुछ नहीं है, और हमारे दिल से लगे हुए थे, लेकिन हमें जो है ना कार्यकर्ता कम से कम 50 कार्यकर्ता आज उनसे नाराज है, सिर्फ अपने साले का विकास करा उन्होंने। बिल्कुल और भी लोग मुझे, आप क्या आज कुछ कहेंगे इन चीजों को लेकर जो तमाम आरोप लग रहे हैं? जी जी हमारे अभी मेंबर साहब कह रहे थे कि भाई 40 साल में हॉस्पिटल में कुछ नहीं हुआ, जूंगा तू है ऐसा नहीं है। जब हमारे काजी निजामुद्दीन जी विधायक थे तो 8 डॉक्टर हुआ करते थे, एक्सरे मशीन थी, एम्बुलेंस दी थी उन्होंने, आज वो एम्बुलेंस भी गायब है, एक्सरे मशीन गायब है, मात्र 1 डॉक्टर रह गया। मेडिकल कॉलेज बनना था यहाँ पे, वो इन्होंने सुरेंद्र राघे जी का तो छीन के ले गए, सुरेंद्र राघे जी इनकी नॉलेज ना होने के कारण इन्हें वो अपने क्षेत्र में ले गए यहाँ से। देखिए आज तक के मंगलौर के जो पुराने विधायक रहे हैं उन्होंने 40 साल मंगलौर पर राज किया, लेकिन 40 साल में कसम खाने को एक बिल्डिंग ऐसी नहीं है जिस पे कसम खा सकते हैं कि मंगलौर के लिए हमने ये विकास किया। और हाजी सरवत करीम अंसारी ने 5 साल में ये करके दिखा दिया, ये कहते हैं कि कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, आज भगवानपुर में जाके देखिए कि मेडिकल कॉलेज तैयार हो चुका है, और 2 डिग्री कॉलेज मंगलौर, 1 सिक्कर और 1 यहाँ रुड़की रोड पर बन चुका है, और 1 बिजली घर यहाँ पर बन चुका है, और ईदगाह के पुल जिसमें हम मुस्लिम समाज के लोगों के लिए बड़ी दिक्कत होती थी उस समाज के लिए उन्होंने पुल देने का काम किया, और मंगलौर में बिरादरीवाद का एक ऐसा इन्होंने वो परचम लहरा रखा था कि जब भी ये इलेक्शन लड़ते थे सिर्फ बिरादरी के नाम पे इलेक्शन लड़ते थे, लेकिन आज अंसारी और गैर अंसारी का वो नारा खत्म हो चुका है। हमारी साथ चाहे आप किसी भी जगह किसी मीटिंग किसी उसमें आकर देख चुकी है, देख लीजिए क्या हर बिरादरी का वोट हमारी साथ है, हर बिरादरी हमें समर्थन दे रही है। जी जैसा उन्होंने सरकार चलाई इसके अलावा कुछ नहीं, आज हर जगह जूता ले रहे हैं, अग्नि मारे मारो मारे से गलती हो गई, इसके अलावा इन्होंने विकास करते तो जूता थोड़े खाते हैं, अगर विकास उठाते हैं विकास करते हैं, विकास नहीं कुछ करने की जरूरत है विकास को, जहाँ भी जाते हैं मीटिंग में भी कहते हैं हमारे जूते मारो जी, हमारे से गलती हो गई आगे फिर इस्तेमाल करियो, तो जरूरत अब ऐसा देख लो बस विकास ही है, विकास जूते का विकास है। आपके गंभीर आरोप लग रहे हैं, आपसे जानना चाहूंगा आपको क्या कुछ कहना है इन चीजों को लेकर? देखिए ये तो सबने अपनी अपनी राय दे दी, विकास की बात तो ये है, आप मंगलौर से भगवानपुर वाली सड़क देख लो, ये लंडोरा वाला नेशनल हाईवे नहीं, मंगलौर से भगवानपुर वाली सड़क वो भी टूटी हुई है, और मंगलौर से पीरूपुरे वाली सड़क वो भी पूरी तरह से खराब है, और मंगलौर से टांडा भनेडा अकबरपुर गोसीपुरे वाली सड़क वो भी खराब है, यानी जो मेन सड़कें हैं विकास की बात बता रहा हूँ मैं, और मंगलौर से लिब्बा रेडी वाली सड़क भी बहुत बुरी तरह ग्रस्तग्रस्त है, और अर्चनपुर नसीरपुर इधर की कोई भी जो मेन सड़कें हैं मंगलौर विधानसभा जो मानी जाती है उसकी जो मेन सड़कें कोई भी सही नहीं है, विकास जो बता रहे हैं विकास हुआ है
वो 20-20, 30-30, 50-50 मीटर वाली सड़कों पे विकास हुआ है जहाँ पे बड़ा ट्रैफिक नहीं चल सकता, जिससे भारी इनकम ठेकेदारों को होती है। अच्छा, आपसे जानना चाहूँ आपको क्या हकीकत। मैं कहूँगा विकास तो मैं जी, मैं अंसारी बिरादरी से हूँ, साजी चौधरी, मैं अल्लाह मलकपुरा से, मैं उनकी साथ दिलो जान से लगा हुआ था, लेकिन मैंने अपनी जेब से भी खर्च किया और इतनी मेहनत करी, लेकिन मुझे 5 साल में 3 बार गया उनके पास, ये नहीं पूछा क्यों नहीं आ रहे आप। विकास तो इसलिए लाया कि उनकी कमाई हुई, उनके साले की कमाई हुई, विकास तो उन्हें करना पड़ता क्यों कमाई हो रही है उसमें, जनता का कोई फायदा नहीं हुआ। चलिए परिवार के विकास करने की बात हुई, लास्ट सवाल का जवाब आपसे जानना चाहूंगा, आप भी स्थानीय निवासी, क्या नजर आता है मंगलौर विधानसभा में 2012 के वादों और दावों में? ऐसा है, हमारे मंगलौर विधायक जी ने जो वादे किए थे, हमारे मंगलौर क्षेत्र की जनता की तरफ जो है उनका रुझान कम रहा है, विकास की तरफ पूरी तरह से जो वादे किए थे वादे पूरे नहीं कर पाए विधायक जी, बल्कि उन्होंने विकास तो किया है लेकिन अपना और अपने परिवार का और अपने रिश्तेदारों का विकास किया है। और इस बार जनता बदलाव के मूड में है, परिवर्तन चाहती है, मंगलौर विधानसभा की जनता चाह रही है पूरी तरह से कांग्रेस की सीट। माननीय हरीश रावत जी के नेतृत्व में ये चुनाव हो रहा है और माननीय हरीश रावत जी को भी चाहती है और मंगलौर क्षेत्र में मंगलौर विधानसभा कांग्रेस पार्टी को देना चाहती है जनता। बिल्कुल, अगर मंगलौर विधानसभा की बात की जाए तो चुनावी घुमक्कड़ में आम जनता ने मिजाज भी बता दिया है और जो विकास कार्य 2012 के दावे और वादे किए गए थे उनके अनुरूप हुए हैं या नहीं वो भी हकीकत सबके सामने है। तो आने वाले समय में और किसी विधानसभा में बात होगी नहीं चुनावी घुमक्कड़ के साथ।